ये भाई साहब को जाना था दिल्ली, क्योंकि इन्होंने मतलब ट्रेन का मतलब टिकट लिया था। टिकट ये आपका ये है ना, डेट 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 बताइए। डेट आज का है, यहाँ से हाँ आज का डेट है। तो इसको जाना था मतलब ये दिल्ली जाना था, मतलब ये टिकट है इसका। दूसरा टिकट जो दिखाइए आप, ये भी है। हाँ तो इन्होंने बैग 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 भी लिया है यहाँ में। तो मतलब किस कारण से फंसा आपका गाड़ी जो काम है? नहीं सर, एक्चुअली हम रेलवे स्टेशन जाना था। हाँ तो ये गांधी मार्केट होके कुछ सामान लेके जाना था। हाँ हाँ। तो गांधी मार्केट में पूरा जाम हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ आके पुलिस को रिक्वेस्ट किया, हमको जाने दो, मेरा टाइम खत्म होने वाला। तो उन्होंने बोला है कि हाई लेवल से ऑर्डर है, किसी को मूवमेंट के लिए मना है। मतलब हाई लेवल से ऑर्डर है, किसी को मूवमेंट करना मना है। एसपी का ऑर्डर है वो। तो मैं मान गया, फिर गाड़ी को वहाँ रख दिया। उसके बाद फिर घर से स्कूटी मंगाया ताकि स्कूटी से जाने देगा सोच। तो स्कूटी मंगाया तो स्कूटी ये बैंक की रानी में उठ के फिर यहाँ रुका दिया बोला। तो हम गांधी मार्केट से फिर पैदल मार के स्कूटी लेने गया। तो स्कूटी लेके हम कहीं से निकल जाएगा, रिक्वेस्ट करके जाएगा सोचा। फिर उन लोग ने फिर बोला है कि मना के, तो हमको जबरदस्ती मत करो नहीं तो मार कहेगा बोला पुलिस लोग। हाँ तो सर देखो, हमको तो जाना है ना, और ये सब रैली अगर करवाना है तो अच्छा बात है अवेयरनेस के लिए, लेकिन टाउन से बाहर करवाइए ना। अब टाउन अंदर में देखो ऐसे रैली करवा के हम सिर्फ नहीं, कितना लोग ऐसा है या फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो ट्रैवल कर रहा है जा रहा है आ रहा है उनको सर जाने देना चाहिए। तो हमको देखो अभी मेरा ये टिकट बेकार हो गया। ये एक टिकट है, यहाँ से आपको नालगन से गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी हाँ। और गुवाहाटी से ये दिल्ली जाना है। ओ। तो अभी देखो सर, ये मेरा दोनों टिकट वेस्ट हो गया ना सर, इसको तो हम पेमेंट किया है। आपको क्या के लिए जाना था सर? मेरा खुद अपना पर्सनल काम था। पर्सनल काम था। देखो ये है, क्योंकि हमको बहुत शिकायत मिला है अलग अलग जगह से, अभी भी फ़ोन किया है कि न्योकुम लपंग साइड में 2 घंटा से मतलब ट्रैफिक में फंसा हुआ है। अब ये भाई साहब को देखो, अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता तो आज ये जो है अपना टिकट गुवाहाटी या से एयरपोर्ट क्षमा चाहूँगा रेलवे से होकर फिर गुवाहाटी पहुँच जाता कल, और कल फिर वहाँ से जो है दिल्ली जाता। लेकिन यहाँ पर ये एक रीज़न ये है कि मतलब चलिए आप कार रेसिंग करा रहा है, अच्छा बात है, लेकिन इसको प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से, प्रॉपर समय के हिसाब से करना चाहिए। और इतना समय से अभी तक जो है शुरू नहीं हुआ, क्योंकि समय हमने पुलिस को पूछा है, उनका ये कहना है कि 9 बजे से शुरू, 9:30 से शुरू होगा रेसिंग, क्योंकि 9:30 बज गया, 9:30 से शुरू होगा, 11:30 बजे तक चलेगा, हमको ये बताया गया है। तो लगता है कि ऐसे ही मतलब बहुत लोग होगा जिसको मेडिकल जाना था और जिसको दूसरा जगह जाना था और ऐसे ही फंसा होगा। अगर प्रॉपर जो है ट्रैफिक वार्डन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता, प्रॉपर गाइडलाइंस होता, ये अभी पहुँचता। तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा? नहीं सर, मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, अगर ये रैली को जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा हो थ्रू गवर्नमेंट से भी हो, लेकिन मेरा हिसाब से आप टाउन से बाहर में करवाइए ना। टाउन अंदर में आप करवा ऐसे रैली करवाता है तो ये हम सिर्फ प्रॉब्लम बोल के नहीं है ना, इसमें आप देखिए कितना पब्लिक आसपास में है। तो अगर गाड़ी जो स्पीड में आएगा, कंट्रोल नहीं होगा, पलटी मारेगा, कितना आपका जान भी जा सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये सब चीज़ रैली जो है टाउन में नहीं करवाना है। और ये तो मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम हम देखा है कि कोई ऐसे टाउन अंदर में रैली करवाता है। जितना भी रैली होता है मैं भी कुछ कुछ जगह में देखा है, तो वो जो सर टाउन से बाहर में रैली करवाता है। तो आज देखो हम दिल्ली भी नहीं पहुंच पाया, मेरा भी पैसा वेस्ट हो गया और हमको जाने भी नहीं दे रहा है। तो हम भी तो देखो इतना भी तो इसका भरपाई कौन करेगा? हाँ हाँ, और इतना कमाई दमाई ठीक है बोल के भी इतना नहीं है, ये भी तो हम खुद अपना मेहनत से कमाया पैसा है। अभी ये ना रेलवे वाला रिटर्न करेगा ना गवर्नमेंट करेगा, ये हम लोग के लिए पनिशमेंट है। चलिए दोबारा ऐसे मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऐसे टाउन में रैली ऑर्गेनाइज नहीं करने से ठीक रहेगा, क्योंकि सब हम लोग पब्लिक हरेसमेंट होगा। चलिए तो ये था, क्योंकि हमको सभी लोग शिकायत कर रहा है, इसलिए लोगों की शिकायत को मतलब जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना मेरा काम है। इसीलिए आज भाई साहब का मतलब ट्रेन छूट गया, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इसका जो नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा, ये अपने आप एक सवाल रह जाएगा।